तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर देखने वाले। तो इसमें पहले वाला आपका एडिशन मतलब प्लस का, मैंने पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो पहले एडिशन आता है, प्लस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार साइन यूज होती है, और डिवीजन के लिए स्लैश वाली साइन, और मॉडुलस मतलब कोई रिमाइंडर जो डिवाइड करने के बाद होता है वो, उसके लिए परसेंट साइन यूज होती है। तो हम लोग ये वाला देखेगा और फिर ऑपरेटर्स देखने वाले लास्ट में। ये ऑपरेटर्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को ऐसा ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि इधर 15 और हेल्थ दिया तो उसके बाद क्या होगा, तो वो भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं पहले से टाइप करके रखा है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो देखो अभी इधर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अगर वेरिएबल नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, वेर इज इक्वल टू, नहीं इधर इसमें इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी ए बी कॉमा सी। अभी फिलहाल तीन लेते हैं इसको, इसके बाद एक को हम लोग सॉरी इसको क्लोज भी कर देते हैं। अभी हम लोग एक को डिक्लेयर कर देते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू सपोज 10, ये हो गया। अभी इसको क्लोज भी कर देते हैं, जी क्लोज जी क्लोज। अभी जब हम लोग कमांड यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी इसको ब्रैकेट में देते हैं सी, अभी सी तो हम लोग ने असाइन नहीं किया, तो अभी इधर पे सी को असाइन कर देते हैं। सी इज इक्वल टू 3, सॉरी ए प्लस बी, देखो अभी इसको ए प्लस बी कर, अभी देखो ये इधर मैंने सी कर दिया, सॉरी इसको देखो ये हो गया, यह हो गया प्लस हो गया एडिशन। अभी सी को वापस से ओवरराइड कर देते हैं, C is equal to A minus B, या फिर B minus A भी ले सकते हैं। ये देखो अभी माइनस है, मतलब माइनस में है ना, 3 माइनस 10 तो माइनस 7 होता है, इसके लिए वो माइनस में चला गया, फिर अपन B minus A में भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी C को वापस से ओवरराइड कर देते हैं, C इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ये देखो अभी 0.3, मतलब कि इसको 3 को 10 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है। अब इसको वापस से ओवरराइड करते हैं, सी इज इक्वल टू ए परसेंट बी, इसको क्लोज, ये देखो अभी मतलब जिसका नीचे आंसर आता है वो 3 है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए स्टार का साइन यूज होगा, सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, ये हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 है तो 30 हो जाएगा, इधर पे देखो हो गया 30। अभी अगर इसके साथ सी के साथ आपको कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट भी लगाना है तो फिर इसको अभी सपोज अभी मैं इधर पे बोल्ड दे देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड टैग दे देता हूँ, ये बी हो गया। अभी बोल्ड टैग है ना, सॉरी इसको है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेना पड़ेगा, मतलब कोटेशन में लेना पड़ेगा, बी आर, सॉरी सिर्फ बी आर लेने का, देखो ये हो गया। अभी ए आंसर ऑफ ऑपरेटर, ये देखोगा आंसर ऑफ ऑपरेटर। अभी इसको मैं यूर देता हूँ, ये हो गया एक स्टेटमेंट। अभी इसको ये इधर कंप्लीट हो गया, इधर प्रिंट करने के लिए प्लस सी प्लस, अभी बी को भी क्लोज कर देते हैं। अभी बी को क्लोज करने के लिए वापस से डबल इंटरवर्टेड मतलब डबल कोटेशन बी और फिर बी क्लोज, ये हो गया। ये ध्यान रखना प्लस सी प्लस में कोई कोटेशन नहीं, पहला कोटेशन ये ऊपर स्टार्टिंग वाले के लिए और दूसरा कोटेशन एंड वाले के लिए। देखो ये हो गया, ये बोल्ड में हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूलस कैसा है। देखो ये सपोज
यहाँ पे सॉरी, अब मैं आपको बताता हूँ मॉडुलस कैसे है। अभी देखो, हाँ ये देखो, अभी ये है इधर पे आएगा 10 और यहाँ पे 3। आप देख सकते हैं वायर हम लोग ने 3 लिया था और वायर भी 10 लिया था, तो ऐसा आएगा ये। तो अभी 3 है तो ये तो डिवाइड होगा इन, तो 0 0 और फिर ये 3। तो अभी ये बचा मॉडुलस और ये है अपना स्लैश वाली साइड, मैंने आपको बताया था डिवाइड करने वाले। तो मॉडुलस है वो पॉइंट के बाद वाला नहीं दिखेगा। अभी अगर मैं इधर पे पॉइंट डाल के ऐसा 1 लिख दूँ, फिर 0 सॉरी 1 नहीं 1 नहीं यहाँ पे 3 लिख दूँ, फिर यहाँ पे 0 करके फिर 0 0 आएगा, तो ये वाला रिमाइंडर नहीं लेंगे हम लोग, ये 3 लेंगे इधर। तो इसी हिसाब से मॉडुलस आया, मैं आपको बताया 3 कैसे आया। तो अगर आपको इसके साथ दो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, बी की भी करनी है, सी की भी करनी है, तो इसको देखते हो हम। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इधर देखते हैं, इधर कोटेशन में लेंगे F1 स्पेस डाल देते हैं बीच में, कोटेशन के बीच में डालने का स्पेस अप्लाई करना, तो F1 प्लस ए प्लस और फिर वापस डबल कोटेशन में स्पेस डाल देते हैं F2, मैं देखो बीच में स्पेस लिया कोटेशन के, और फिर प्लस बी प्लस और फिर वापस से कोटेशन आंसर बाय मल्टीप्लाई, फिर वापस से प्लस सी। मैं प्लस सी इसके लिए लिया क्योंकि आगे मैं कोई इंग्लिश का लेटर यूज़ नहीं कर रहा इसके लिए। देखो अब इधर से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इधर हिस्ट्री फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और आंसर बाय मल्टीप्लाई। देखो हो गया फर्स्ट नंबर 3। अभी इसको अगर एंटर भी कर देते हैं, अगर मैं सब जगह बी आर टी भी यूज़ कर देता हूँ, मैंने यहाँ नहीं सॉरी यहाँ की जगह यहाँ कर लेते हैं यूज़ बी आर और फिर यहाँ पे भी बी आर। और ये वाला बी आर कैंसिल कर देते हैं। देखो अभी देखो फर्स्ट नंबर 3 सेकंड नंबर 3 10 3 10 का 30। अभी इस मल्टीप्लाई के बाद भी स्पेस दे देते हैं। देखो मैंने इधर एंटर मार दिया तो इधर वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि इधर एंटर का भी एकदम स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। देखो ये हो गया। अभी मैं सपोज यहाँ पे एक और एक टैग लेता H1 लिया और फिर यहाँ पे C के बाद प्लस करके वापस डबल कोटेशन में H1 को क्लोज कर देते। तब देखना अभी ये बड़ा होता है एकदम से, देखो क्यों नहीं हुआ मालूम। देखो यहाँ पे मैंने डबल डबल दो बार लिया, तो अभी इसको मैं देखो ये हो गया फर्स्ट नंबर 3 सेकंड नंबर 10 मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आता 30। तो देखो इधर अगर मैं दो बार कोटेशन लेता हूँ तो मेरे को कोई वैल्यू देना पड़ेगा, जैसे कि अभी इधर सपोज मैं इधर अगर दो बार भी देता हूँ कोटेशन स्पेस डालो कुछ भी डालो, तो देखो इधर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके आगे अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैं प्लस 30 प्लस देखो तो हुआ। लेकिन अगर आपको ऐसे लेना है तो फिर ये डबल कोटेशन नहीं देना पड़ेगा। देखो मैं हटा देता हूँ कोटेशन, देखो अभी भी ये प्रिंट होगा जो होगा प्रिंट। लेकिन देखो अगर देखो इसमें मैंने पहले ये वाला हुआ है, ये इंग्लिश का स्ट्रिंग वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्ट्रिंग वैल्यू है और ये लास्ट में ये वाली फोर्थ स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब मैंने चार स्ट्रिंग वैल्यू लिए लेकिन इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिया। अभी बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैंने इसके अंदर कन्फ्यूज इसके अंदर ये लिया, तो मैं इसमें स्पेस डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू जो कोटेशन के अंदर आती है, और ये जो है ना ये बाहर स्ट्रिंग वैल्यू के। देखो ये भी सी को भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखो स्पेस डाल दिया। अभी देखो ये वाली फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो मैं स्पेस डाला फिर भी देखो सेम है, इसी का मतलब है कि हम लोग ने जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो सिर्फ इसके लिए ली टैग और इसके लिए लिया हुआ। तो अभी हम लोग ने देखा उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, ये याद रखना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कुछ करना है, जैसे कि मैं इसको सी को ओवरराइड कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है। अभी मैं कैलकुलेटर भी ऑन करके देता हूँ, एक मिनट। ये देखो मैं कैलकुलेटर भी इधर ऑन कर दिया, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कोई एकदम कॉम्प्लेक्स है जैसे कि सी इज इक्वल टू, अभी ए बी नहीं रहते, ए बी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 10 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय सपोज 10 ले लेते हैं। अभी ये हो गया और इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस बाद में करते हैं। अभी देखो इधर पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्यों? करके जो ऑर्डर रहता है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होता है। तो इधर पे मल्टीप्लाई होगा 5 × 3 = 15 आया। अभी इसको डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 10, 1.5, देखो 1.5। अभी इसको प्लस 10 होगा तो आया 11.5। देखो इधर आंसर भी देखो 11.5 बराबर। लेकिन अभी आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले प्लस हो जाए और फिर कुछ आगे का हो, तो अभी इसके प्लस वाले के लिए ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे, तो सबसे पहले प्लस होगा 15, देखो 10 + 5 = 15 होगा, 10 + 5 = 15, और फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, जिससे कि देखो ये 10 + 5 = 15 कर दिया, 15 × 3, ये देखो आ गया 45, डिवाइड बाय 10, देखो 4.5 है। इसी तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया। अभी इसको मैं सब कैंसिल कर देता हूँ, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं वो प्लस वाला जो दूसरा बताया था वो। अभी सी को वापस से कर देते हो, राइट, सपोज अभी सी इज इक्वल टू 22 प्लस कोटेशन में रहते हैं हेलो, ये हो गया। अब इसको क्लोज, ये हो गया। अभी अगर इस कोटेशन के अगले को नंबर लेंगे तो नंबर प्रिंट हो जाएगा 5, 2 to 5 सा। तो ये नंबर ऐड होने की जगह आगे आ गया, क्योंकि ये डेटा टाइप अलग हो गई, स्ट्रिंग वाली होगी, इसके लिए आगे आ गया। आप डेटा टाइप की वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।